श्रीलंका को अब समझ आने लगा है कि पड़ोसी होने के नाते भारत ही उसका असली दोस्त है। श्रीलंका ने चीन को एक बड़ा झटका दिया है। श्रीलंका ने चीनी कंपनी के साथ एनर्जी डील को रद्द कर उसे एक भारतीय कंपनी को दे दिया। इस डील के तहत श्रीलंका में 300 और पवन हाइब्रिड बिजली उत्पादन फैसिलिटी को बनाया जाना है। प्रोजेक्ट को शुरू में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्ज के जरिए फंड किया जा रहा था, लेकिन अब इसे भारत सरकार ने $11 मिलियन का अनुदान दिया है। इस डील को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई थी। इसी वजह से श्रीलंका ने 2 साल पहले ही चीनी कंपनी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया था। 1 मार्च को श्रीलंका और भारत के बीच यह डील हो गई है। चीन के लिए इस साल श्रीलंका से मिला यह दूसरा झटका है। भारत के कहने पर श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को उसके बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया था। दरअसल भारत पिछले कुछ वर्षों से अपने पड़ोसी देशों में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को लेकर सतर्क है। बेंगलुरु की कंपनी यू सोलर इस काम को पूरा करेगी। श्रीलंका में बनने वाली इन तीनों फैसिलिटीज की संयुक्त रूप से 2230 किलोवाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता होगी। ये भारत के दक्षिणी तट से ज्यादा दूर नहीं, उत्तरी शहर जाफना के पास टापुओं पर स्थित होंगी। श्रीलंका ने भारत को यह डील तब दी है जब चीन जासूसी जहाजों के आने पर लगी रोक को हटाने की मांग कर रहा है। चीनी सरकार चाहती है कि श्रीलंका अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भीतर संचालित होने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 साल की रोक को वापस ले लें। भारत को इन जहाजों से क्या खतरा रहा है, उसके बारे में आई बटन पर दिए गए वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और वर्ल्ड नाउ सब्सक्राइब कीजिए।